नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नुपुर है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी में काम करती हूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से, तो हम सभी लोग वो प्रिकॉशन ले रहे हैं। और ये 3 वीक्स यानी कि 21 डेज का लॉकडाउन क्यों हुआ है, उसके मुख्यतः 3 कारण हैं। सबसे पहला कि हम कर्व को फ्लैट करना चाहते हैं और आउटब्रेक में बहुत सारे लोग एक साथ ना अफेक्ट हों, ताकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को टाइम मिल जाए और हमारे बेड यूटिलाइजेशन ठीक से हो और सबको हेल्थ केयर की सुविधा प्राप्त हो। दूसरी चीज़, ये अगर धीरे धीरे फैलता है तो हमारी कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो हम इसको सस्टेन कर पाते हैं और हमारे पास टेस्ट की सुविधा भी बढ़ जाती है। तो आज मैं ये बात करूँगी कि इस वायरस से हम कैसे बचें। वैसे सभी को पता है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इसके बारे में बात की जाती है, पर फिर भी हमें इस चीज़ को दिमाग में रखने के लिए सबसे पहली चीज़ हैंड हाइजीन, मतलब हमें हाथ जो अपने धोने हैं कम से कम 20 सेकेंड तक धोने हैं और एक एक पार्ट हाथ का साफ होना चाहिए। और इसके लिए हैंड हाइजीन, इसको बोलते हैं सेफ हैंड हाइजीन। दूसरी चीज़, जब हम किसी से भी मिलें तो हमें हैंडशेक नहीं करना है और नमस्कार फॉलो करना है, या हम हेलो कर सकते हैं या हम बाव कर सकते हैं, ताकि एक दूसरे से डिस्टेंस बना रहे। सेकेंड चीज़, हमारी रेस्पिरेटरी हाइजीन, मतलब कफ एटिकेट। हमें खांसना कैसे है, हमें खांसना है या तो टिशू हाथ में लेके टिशू में खांसना है और उस टिशू को ठीक से डिस्पोज ऑफ करना है, या फिर हमें अपनी एल्बो पे खांसना या छींकना है, ताकि ये ड्रॉपलेट दूसरे तक ना जाए और हम दूसरे को इन्फेक्शन ना करें। तीसरी चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने फैमिली मेम्बर से बात नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि हमें कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है इन बिटवीन इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये एरोसॉल या ड्रॉपलेट या फिर कहीं भी किसी भी सरफेस पे पड़ा होता है जो हम बार बार टच करते हैं। चौथी चीज़ कि हमें घर पे रहना है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, जो कि सभी को अपनाना चाहिए और हर जने को इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए। और पांचवी चीज़, जब हम हाथ साफ करते हैं तो रिसर्च से ये पता चला है कि कम से कम 21 बार हमारा हाथ फेस पर जाता है इन 1 आवर्स टाइम, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा माउथ, हमारा नोज़ और हमारी आईज़ इससे अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये तो हुई प्रिकॉशन की बात, पर कुछ कुछ मिथ भी सोसाइटी में आते जा रहे हैं इससे बचाव करने के लिए। जैसे सबसे पहली चीज़ कि मास्क किसको पहनना है। मास्क उसको पहनना है जिसको ये इन्फेक्शन है या जिसको कोई भी खांसी का लक्षण है, और उसको जो कि इसकी केयर कर रहा है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो चाहे वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो। दूसरा मिथ आता है कि हमें ग्लव पहन लेना चाहिए, क्योंकि ये तो हाथ से हो रहा है, पर इससे हम भ्रम में पड़ जाते हैं ग्लव पहनने से कि हमें तो प्रोटेक्शन मिला है, पर वो ग्लव भी हमारे फेस पे कितनी बार टच होगा हमें नहीं मालूम। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि हॉट वाटर बाथ लो तो ये मर जाएगा। हमने थर्मल स्कैन करा लिया, मतलब हमें इन्फेक्शन नहीं है, पर थर्मल स्कैनर की भी लिमिटेशन है, क्योंकि वो सिर्फ हाई बॉडी टेम्परेचर को ही चेक करता है। उससे हमें ये नहीं पता चलता कि जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है उसमें भी तो वो इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरी चीज़ कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट से ये वायरस मर जाएगा। ऐसा देखा गया है कि हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट से इसकी वायरल जो स्प्रेड है, जो कंटेजियसनेस है, वो कम हो जाएगी, लेकिन वायरस मरेगा कि नहीं मरेगा ये अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गार्लिक खाओ, मतलब उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप अपने नाक में पानी लगा लो या घी लगा लो, उससे आपको ये इन्फेक्शन ना होगा, पर अभी तक इसका प्रूफ नहीं है। ऑल्दो गार्लिक हैज़ वेरी गुड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, टू सम एक्सटेंट वो आपकी मदद कर सकता है इम्यूनिटी आने में। तीसरी चीज़ कि इसके लिए क्या एंटीबायोटिक है और इसका क्या इलाज है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इसीलिए एक ही इलाज है, वो है प्रिवेंशन एंड अडॉप्टिंग द प्रोटेक्टिव मेजर्स। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमें लगता है कि ये बच्चों में नहीं होगा, ये मिडिल एज में नहीं होगा, पर इट हैज़ बीन सीन एट ऑल एजेस, तो सभी को वो प्रिकॉशन लेने हैं। एक और मिथ इसके साथ आता है कि फ्लू वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेगी कोरोना वायरस के अगेंस्ट, पर नहीं, फ्लू वैक्सीन इज़ ओनली अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा वायरस। और कुछ लोगों को ये भी भ्रम है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन लगा लो तो हमें इससे प्रोटेक्शन होगा, पर प्रोटेक्शन ओनली टू दैट एक्सटेंट होगा कि हमें रेस्पिरेटरी इलनेस का चांस
कम हो जाएगा, पर इससे कोरोना से बचाव होगा कि नहीं, इसकी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, और नई वैक्सीन बनने में अभी कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें घर पे रहना है, अपना ध्यान रखना है, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना है, और अपने आप को प्रिपेयर करना है और कि हम इससे कैसे बचाव करें, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर हिंदुस्तानी को लेनी है कि वो अपने घर पे रहे, दूसरों को भी इसी चीज़ के लिए एनकरेज करे और घर से बाहर ना निकले। थैंक यू।